नमस्कार दोस्तों, रघु का जीके हब एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। हम हमारा करंट का इतिहास का टॉपिक हमारा चल रहा था और इतिहास में हम जो आपको ले रहे हैं वो आधुनिक भारत का इतिहास। कल इसको हेडिंग को चेंज करना, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, समझ गए। तो आधुनिक भारत का इतिहास हमारा चल रहा है और आपको हमने अब तक जो बताया, देखो सारा मैं सिस्टमेटिक बताऊंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो पहला मैंने बोला आधुनिक भारत का इतिहास सबसे पहले किसके आगमन से होता है, तो यूरोपियंस के आगमन से होता है। यूरोपियन का आगमन में हमने आपको पांच यूरोपियन बताए थे। पहला यूरोपीय आपको पुर्तगाली बताया था, दूसरा यूरोपीय आपको डच बताया था, तीसरा यूरोपीय आपको अंग्रेज बताया था, चौथा यूरोपीय आपको डेनमार्क वाले बताए थे और पाँचवा यूरोपीय आपको फ्रांसीसी बताया था। और मैंने आपको बताया कि किस टाइप से उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया और ये सारी बात आ गई। अब आज का जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है, वो ये है कि भाई यूरोपियन है ना जो आए, पांचों यूरोपियन आए। अब पांचों यूरोपियन में जो सबसे ज्यादा जो भारी पड़े वो अंग्रेज पड़े और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने आप को उनको परास्त करके और अपने आप में स्टेबल हो गई, अपने आप में स्टेबल हो गई, उनको परास्त करके अपने आप को स्टेबल हो गई। तो आज का जो टॉपिक है वो यूरोपियन का परस्पर संघर्ष एवं ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व, यूरोपियन का परस्पर संघर्ष और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व है। और मैंने आपको बताया भी था कि ये पहले तो अपने आप वालों से संघर्ष करेगा, अपने आप वालों से पहले तो क्या करेगा, संघर्ष। और बाद में अपने वालों से संघर्ष करने के बाद, अपने वालों से संघर्ष करने के बाद ये किससे संघर्ष करेगा, ये अपने अपने भारतीय राज्यों से संघर्ष करेगा। तो अगला टॉपिक अपना भारतीय राज्यों का आएगा और पहला टॉपिक आपका यूरोपियन का परस्पर संघर्ष और ईस्ट इंडिया का कंपनी का प्रभुत्व है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखिएगा एक एक चीज को आपको देखना है। अब देखिए यूरोपियन का परस्पर संघर्ष और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले डच, भाई हालांकि पुर्तगाली आए पहले, तो पुर्तगाली क्या बता रहा हूं, तो डच और ब्रिटिश के बारे में क्या हुआ, क्योंकि पुर्तगाली तो थोड़े दिन टिके हैं इसलिए मैंने डच लिया है। तो सबसे पहले इन डचों को भगाया, किसको भगाया, डचों को। तो डच आपको याद रखिए एक बार, दो मिनट के लिए पुरानी वाली बातों को भी ध्यान दीजिए। डच जो थे वो आपके कहां के थे, हॉलैंड या नीदरलैंड के थे डच, समझ गए। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो डच और ब्रिटिश का क्या संघर्ष रहा, अथवा हालांकि पहले भी हमारी बात हुई है, इनके बीच में बेदरा का युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध हुआ बंगाल में, बेदरा का युद्ध हुआ किसमें, बंगाल में, 1769 नवंबर 1769 में हुआ बंगाल में। कौन सा युद्ध हुआ साहब, बेदरा का युद्ध, कौन सा, बेदरा का युद्ध हुआ किसके बीच में, तो डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ, डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। डच इसमें पूर्णतः क्या हो गए, पराजित हो गए और डचों का इसी के साथ मतलब प्रभुत्व यहां पे क्या हो गया, समाप्त हो गया, प्रभुत्व क्या हो गया, समाप्त हो गया डचों का, ठीक है। तो डचों के साथ इसका कौन सा युद्ध हुआ था, तो बेदरा युद्ध कहां पर हुआ था, बंगाल, कब हुआ था, 1769 में, डच और किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, इसमें डच पूर्णतः क्या हो गए, पराजित हो गए, ठीक है। अब आए पुर्तगाली, पुर्तगाली और ब्रिटिश के बारे में क्या बात हुई थी, तो देखो पुर्तगालियों का ब्रिटिश का वैसे तो संघर्ष चलता रहा, पुर्तगालियों और ब्रिटिश का वैसे तो संघर्ष चलता रहा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे यूरोपियन में, आने वाले सबसे पहले कौन थे, पुर्तगाली थे। यूरोपियंस में आने वाले पहले कौन थे, यूरोपियंस में पहले कौन थे, पुर्तगाली थे, कौन थे, पुर्तगाली, ठीक है। यूरोपियंस में आने वाले सबसे पहले कौन थे, तो पुर्तगाली थे, लेकिन सबसे बाद जाने वाले भी कौन थे, पुर्तगाली। आपको था पुर्तगालियों का कहां पर रहा, गोवा में रहा, दमन द्वीप में रहा, दादरा नगर हवेली में रहा, तो वो तो 1961 में जाकर के क्या हुए थे, गए थे, तो सबसे बाद में गए थे। तो इनका संघर्ष इनसे होता रहा लेकिन वो गए बाद में थे। और आपको पता है इन पुर्तगालियों की ब्रिटिश के साथ रिश्तेदारी भी हो चुकी थी और ब्रिटिश के साथ रिश्तेदारी होने के कारण ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को इन्होंने ये बॉम्बे तो क्या दे दिया था, दहेज में दे दिया था। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह, मतलब पुर्तगालियों की राजकुमारी कौन थी, कैथरीन ब्रिगेंजा थी, उसका विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से किया, किससे किया, ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से किया और बंबई को उनको चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया, बंबई चार्ल्स द्वितीय को क्या दे दिया, दहेज में। हम रिलेशन दिखा रहे पूरे, तो ये ब्रिटेन बंबई को चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया। और 1668 में चार्ल्स ने बंबई का द्वीप
10 पौंड वार्षिक किराए पे, 10 पौंड, पौंड मतलब ब्रिटेन की मुद्रा है, तो 10 पौंड वार्षिक किराए पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 10 पौंड वार्षिक किराए पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस प्रकार से बंबई किसके पास आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। और बंबई के बारे में मैंने पूरी न्यूज पहले बता दी है, तो बंबई किसके पास आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। और 1669 से 77 तक बंबई गवर्नर गेराल्ड ओंगियार था। कौन था? गेराल्ड ओंगियार, वही वास्तविक बंबई का संस्थापक माना जाता है। जैसे हमने कल आपको कलकत्ता बताया था, तो कलकत्ता का जो संस्थापक माना जाता है वो चार्णोक माना जाता है। क्या माना जाता है? चार्णोक माना जाता है, चार्णोक माना जाता है। उसी प्रकार से बंबई का जो संस्थापक है वास्तविक, वो गेराल्ड ओंगियार माना जाता है। गेराल्ड ओंगियार यानी आधुनिक बंबई को सुसज्जित करने वाला गेराल्ड ओंगियार माना जाता है। गेराल्ड ओंगियार बोलो क्लियर है क्या? तो ये बंबई के बारे में बात होगी, और ये किसके बारे में होगी? पुर्तगालियों। अब आता अगला पॉइंट है डेन और ब्रिटिश। डेन कौन हो गए? डेनमार्क वाले हो गए। डेन कौन हो गए? डेनमार्क वाले। इनके बारे में हमने आपको डेनमार्क सब के बारे में बताया भी है। डेन और ब्रिटिश, डेन और ब्रिटिश। तो 1845 में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सभी फैक्ट्रियां बेच दी और ब्रिटिश कंपनी को बेच करके भारत से वापस लौट गए। तो कई किताबों में तो डेनों को दिखाते ही नहीं, डेनमार्क को दिखाते ही नहीं। तो बेसिकली हमने दिखा दिया कि भाई ये तो कोई संघर्ष इतना नहीं हुआ, लेकिन ये तो अपना सारा सामान बेच बाच करके यहां से चले गए। समझ गए क्या? अब तो पहला नंबर कौन सा था? डच, डच का युद्ध हो गया बेदरा। पुर्तगालियों से इनके संघर्ष भी रहे, लेकिन उनका रिश्तेदारी भी रही। डेन वाले वैसे बेच के चले गए। अब जो मेन जो इनके संघर्ष रहा वो फ्रांसीसियों के साथ रहा। तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बारे में देखिए, तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में तीन युद्ध हुए हैं, मतलब फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में तीन युद्ध हुए हैं, जिनको प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध बोलते हैं। फ्रांसीसियों के और ब्रिटिश के बीच में तीन युद्ध हुए हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। देखो दोस्तों, स्त्री एक ऐसी चीज है, ध्यान दीजिएगा, इसको सिस्टम में लाना ही सबसे बड़ी कला है। अगर आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से अपने हिसाब से लिया है, जैसे हमने देखो शुरू से बताया कि ऐसे तो साहब यूरोपियन आए, ऐसे अपने लोग स्टेबल हुए, ये शहरों को इन्होंने बसाया, इस टाइप से इन्होंने स्टेबल किया, अब ऐसे आपस में लड़े, तो पहले आपस में लड़के इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व हुआ, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों को निपटा और फिर पूरे भारत पर अपना कब्जा किया। आगे तो इनका फ्रांसिस और ब्रिटिश का पहला युद्ध हुआ था, वो पहला कर्नाटक का युद्ध हुआ, जो 1746 से लेकर 48 तक चला है। 1746 से लेकर के 48 तक चला है पहला कर्नाटक युद्ध, पहला कर्नाटक युद्ध। अब देखो इस युद्ध का कारण क्या था, इस युद्ध में हुआ क्या और इस युद्ध में लास्ट में क्या होगा। तो ये इन्हें एक बात आपको थोड़ी सी ध्यान में और रखनी है कि ये ब्रिटिश वाले और फ्रांसीसी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, इन दोनों का संघर्ष वहां पर यूरोप में भी चल रहा था। तो इनकी लड़ाई यहां पे भी नहीं थी, बल्कि कहां पर थी? यूरोप में भी थी। तो ये लड़ाई उस लड़ाई से रिलेशन भी रखती है। तो देखिएगा यहां पे क्या कह रहा है, अंग्रेज कैप्टन बर्नेट, अंग्रेज कैप्टन बर्नेट ने के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया। मतलब अंग्रेजों का कैप्टन कौन था? बर्नेट था। उसने अंग्रेजी सेना भेज करके कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया। बदले में फ्रांसीसी जो सेनापति था वो कौन था? डुप्ले। कौन था? डुप्ले। इसने मद्रास के गवर्नर मोर्स को आत्मसमर्पण के लिए क्या कर दिया? मजबूर। तो यहां पर आपको डुप्ले का नाम ज्यादा रखना है, डुप्ले। तो यहां पे जो संघर्ष है ये दोनों, ये परस्पर जो संघर्ष है वो बर्नेट और डुप्ले के बीच में है। बर्नेट और कौन से, किसके बीच में है? डुप्ले। बोलो क्लियर है क्या? बर्नेट और कौन है? डुप्ले। तो मैंने कहा अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना आई और फ्रांसीसियों के कुछ जहाजों पर क्या कर दिया? अधिकार कर लिया। और इधर फ्रांसीसी डुप्ले ने क्या काम किया? मद्रास के गवर्नर मोर्स को मतलब आत्मसमर्पण के लिए क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। इस युद्ध के समय कर्नाटक का नवाब अनुरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों को, सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। यह अनुरुद्दीन जो था कर्नाटक का नवाब था, इसलिए इस युद्ध का नाम कर्नाटक युद्ध रखा गया। और यह अनुरुद्दीन जो था वो अंग्रेजों के पक्ष में था। किसके पक्ष में था? अंग्रेजों के। तो बोलो इस युद्ध में के समय कर्नाटक नवाब अनुरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों को, सेना को फ्रांसीसियों के आक्रमण हेतु भेजा। और कैप्टन पैराडाइज
के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थोमे युद्ध में, यहां पे कौन सा हुआ, सेंट थोमे युद्ध में नवाब को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इसको कर्नाटक युद्ध भी बोल सकते हैं, सेंट थोमे युद्ध भी बोल सकते हैं, सेंट थोमे युद्ध भी बोल सकते हैं। तो इधर कैप्टन कौन था, पैराडाइज था। कौन था, कैप्टन पैराडाइज, और उसने अनूरुद्दीन की सेना को पराजित कर दिया। आगे देखिए, यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े जा रहे उत्तराधिकार युद्ध, यूरोप में मैंने अभी भी बोला, यूरोप में इनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा जा रहा था, तो वो बाद में इनकी यूरोप में एक संधि हुई, ओक्सला सेपल संधि। और ओक्सला सेपल संधि जो ब्रिटेन कहां पर हुई, यूरोप में हुई, उस संधि के तहत वहां भी संघर्ष खत्म हो गया और यहां भी संघर्ष खत्म हो गया। तो बोलो, पहला, मैं वापस बोल रहा हूं, मतलब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो पहला युद्ध हुआ था वो कर्नाटक का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, कर्नाटक का युद्ध। और कर्नाटक का युद्ध कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ, तो ओक्सला सेपल संधि के तहत समाप्त हुआ। और इसके तहत भारत में भी इन दोनों के बीच में संघर्ष समाप्त हो गया। और मैंने कहा यहां पर कर्नाटक का युद्ध हुआ था, तो वहां पर अनूरुद्दीन ने किसको भेजा, महफूज खां को, और फ्रांसीसियों ने किसको भेजा, आपका पैराडाइज को। और पैराडाइज इनके बीच में कहां पर युद्ध हुआ, तो सेंट थोमे युद्ध हुआ, और उसमें नवाब क्या हो गया, पराजित हो गया। और उसमें मेन रणनीतिकार फ्रांसीसियों का कौन था, डुप्ले था। कौन था, डुप्ले, इसका नाम जानना है। बोलो, क्लियर है। तो ये कौन सा युद्ध है, बोलो दोस्तों, फ्रांस का युद्ध। कौन सा, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में कर्नाटक का युद्ध, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में कौन सा युद्ध, कर्नाटक का युद्ध। ठीक है, अब द्वितीय कर्नाटक का युद्ध आता है, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध देखिए 1753-54 में हुआ। 1753-54 में द्वितीय कर्नाटक का युद्ध 1753-54 में होता है। इसका तात्कालिक कारण देखो, कर्नाटक का नवाब को लेकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में संघर्ष हुआ। कर्नाटक के नवाब को लेकर के अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों में क्या हुआ, संघर्ष। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, कर्नाटक इसका नाम क्यों दे रहे हैं, कर्नाटक पर अपना ये अधिकार जमाने के लिए ये युद्ध कर रहे हैं। अब कर्नाटक पर ये तो फ्रांसीसी तो देखते हैं मेरा प्रभुत्व रहे, और अंग्रेज देखते हैं मेरा प्रभुत्व रहे। तो यहां डुप्ले ना, डुप्ले तो चांद साहब का समर्थन कर रहा था कि कर्नाटक का नवाब चांद सा होने चाहिए। बोलो, क्लियर है क्या। जो फ्रांस वाला डुप्ले था वो तो क्या कहना चाह रहा है, वो तो कह रहा है चांद साहब ना, वो आपके मतलब होने चाहिए, मतलब कर्नाटक के नवाब कौन होने चाहिए, चांद साहब होने चाहिए। अंग्रेज जो समर्थन कर रहे थे वो अनूरुद्दीन और नासिर जंग का कर रहे थे, अनूरुद्दीन और किसका कर रहे थे, नासिर जंग का समर्थन कर रहे थे। मैंने वापस बोल दिया, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किसको लेकर हुआ, तो देखे प्रथम कर्नाटक युद्ध तो हुआ था, वो तो जहां जो पे उन्होंने उस पे अधिकार कर लिया, उसने उन्होंने पे कर लिया, उस पे हुआ। लेकिन जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था वो कर्नाटक के नवाब के पद को लेकर हुआ। फ्रांसीसी डुप्ले जो था वो चांद साहब को समर्थन कर रहा था, और अंग्रेज जो समर्थन कर रहे थे वो अनूरुद्दीन को और नासिर जंग को समर्थन कर रहे थे। अनूरुद्दीन और किसको कर रहे थे, नासिर जंग को समर्थन कर रहे थे। और आपने देखा था ये अनूरुद्दीन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, तो समझ गए, तो वो अंग्रेजों का पक्षधर था। अब आइए, ये दोनों का बीच में लड़ाई है। इस समय दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का संघर्ष क्या था, चरम पर था, मतलब फ्रांसीसियों का प्रभुत्व उस समय चरम पर था। अब अंग्रेजों की तरफ में यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव आया, ब्रिटिश आया, और इधर फ्रांसीसियों की तरफ से कौन है, डुप्ले। बोलो, क्लियर है। फ्रांसीसी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और चांद साहब की हत्या कर दी। अब चांद साहब की हत्या कर दी, फ्रांसीसी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब आत्मसमर्पण कर दिया तो आप समझ सकते हो दोस्तों, बोलो, तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कोई वो बात नहीं हुई, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पूरी तरह से कौन हार गए, फ्रांसीसी हार गए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पूरी तरह से फ्रांसीसी हार गए, द्वितीय कर्नाटक। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में मेन व्यक्ति कौन है, रॉबर्ट क्लाइव है जो ब्रिटिश है, और इधर फ्रांसीसी कौन है, डुप्ले है। फ्रांसीसी कौन है दोस्तों, डुप्ले है। बोलो, और फ्रांसीसी सेना यहां पर आत्मसमर्पण कर देती है, और चांद साहब जो डुप्ले के समर्थक थे वो इस युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है, अब डुप्ले हार गया ना यहां पे, तो डुप्ले के स्थान पे गोडेहू को 1754 में गवर्नर बनाया, मतलब फ्रांसीसियों ने गवर्नर ही बदल दिया, और किसको बनाया, गोडेहू को। किसको, गोडेहू। और इनके बीच में, अंग्रेजों और इनके बीच में कौन सी संधि हुई, पांडिचेरी संधि हुई।
आप जान सकते हो पांडिचेरी संधि, आप समझ गए होंगे, क्योंकि पांडिचेरी किसके अंडर में हुआ करता था, फ्रांसीसियों के अंडर में हुआ करता था, तो इनके बीच में पांडिचेरी संधि हुई। तो आप देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध का हल जान लीजिए, वापस बोल रहा हूँ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1753-54 में हुआ। इसका मूल कारण था कि कर्नाटक का नवाब कौन बनना चाहिए, तो कर्नाटक के नवाब अपनी सुविधा के अनुसार ये बढ़ाना चाहते थे। क्यों बढ़ाना चाहते थे आप समझ सकते हो, क्या डुप्ले चाहता था कि अगर मेरा पक्षधर अगर नवाब बन जाए तो मेरा यहाँ पे प्रभुत्व रहेगा, और अंग्रेज चाहते थे कि हमारे पक्षधर बन जाए तो हमारा प्रभुत्व रहेगा। तो डुप्ले समर्थन किसका करा था, चौहान साहब का, अंग्रेज समर्थन किसका कर रहे थे, अनुरुद्दीन और राशिद सिंह का। और इस युद्ध में मतलब जो आमने सामने हुए वो रॉबर्ट क्लाइव, मतलब जो नेतृत्व किया वो रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश है और डुप्ले कौन है, फ्रांसीसी। और इस युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरह से हार गए और उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया, और उन्हीं का पक्षधर जो चांद साहब था वो उसकी हत्या कर दी गई। और बाद में डुप्ले अगर हार गया तो डुप्ले से फ्रांसीसी नाराज भी हो गए, तो उनके स्थान पर घोड़ेऊ को गवर्नर बनाया, और उनके बीच में जो संधि हुई वो कौन सी हुई, पांडिचेरी संधि हुई। कौन सी संधि, पांडिचेरी। तो पांडिचेरी संधि के तहत इस युद्ध की समाप्ति हुई। थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तृतीय युद्ध आता है, तृतीय कर्नाटक का युद्ध है। देखिए तृतीय युद्ध आता है कर्नाटक का 1757 से लेकर के 63 तक। इसको सातवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं। कौन सा वर्ष बोलते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध। इसका तत्कालीन कारण क्या है, देखिए रॉबर्ट क्लाइव एवं वाटसन द्वारा चंद्रनगर पर अधिकार की लालसा। चंद्रनगर कौन सा, बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन द्वारा चंद्रनगर पर अधिकार की लालसा कारण था कि भाई हम चंद्रनगर पर आगे बढ़े, तो उसकी लालसा था। और इसमें जो एक युद्ध होता है वो बांडीवास का युद्ध होता है। कौन सा, बांडीवास, फेमस है। 22 जनवरी 1760 को बांडीवास का युद्ध होता है, और अंग्रेजी सेना को आयरकूट ने और फ्रांसिस सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया। आयरकूट और लाली ने, आयरकूट और कौन सा, लाली, मतलब नेतृत्व बांडीवास युद्ध का कौन कर रहे हैं, बोलो, आयरकूट और लाली। लाली किसकी तरफ से है, फ्रांसिसों की तरफ से, आयरकूट किसकी तरफ से है, बोलो, अंग्रेजों की तरफ से। और इस युद्ध में भी फ्रांसिसी क्या हो गए, पराजित हो गए, और फिर इनके बीच में एक पेरिस संधि हुई। इस प्रेसित संधि में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच इस संधि से यह सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया। सप्तवर्षीय, सात वर्षीय युद्ध बोल रहा हूं, सात वर्षीय। तो देखिए दोस्तों यहां पे युद्ध भी आपके, वैसे तो मोटे रूप में तो आपके तीन युद्ध बोलते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, और तृतीय कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं, समझ गए। लेकिन इनके इन्हीं युद्धों के बीच में आपका देखो पहला जो युद्ध था उसको सेंट थोमे युद्ध भी बोलते हैं, सेंट थोमे, सेंट थोमे। और तृतीय युद्ध को आप कौन सा, वांडीवास का युद्ध बोल रहे हैं। कौन सा युद्ध बोल रहे हैं, वांडीवास। तो वांडीवास का युद्ध बेसिकली किसके बीच में लड़ा गया ये भी पूछ लेता है। तो वांडीवास का युद्ध तृतीय विश्व युद्ध, तृतीय युद्ध है, ठीक है। और पहले में जो संधि हुई, पहले में जो संधि हुई वो कौन सी हुई बोलो, पहले में संधि हुई ऑक्सला सेपल संधि, ऑक्सला सेपल संधि। वो बेसिकली कहां पर हुई, यूरोप में हुई, और वो उत्तराधिकार को लेकर जो संधि हुई थी उसके माध्यम से ये संघर्ष क्या हुआ, समाप्त। तो ऑक्सला सेपल संधि, ऑक्सला सेपल संधि, ठीक है। और दूसरे में जो संधि हुई पांडिचेरी संधि, कौन सी संधि, पांडिचेरी, ध्यान रखना। और तीसरे में जो संधि होती है वो आपकी पेरिस संधि, कौन सी, पेरिस संधि। अब मैं आपको पूछूंगा ये क्या, कई बार आपका क्वेश्चन कैसे रहता है, संधि का सुमेलित करवा लेता है। जैसे पेपर स्टैंडर्ड पेपर से हम शुरू कर रहे हैं, पहला स्टैंडर्ड आरएस का है, सब इंस्पेक्टर का है, बड़ा जो लेवल है उनमें जैसे सुमेलित करवा लेता है, तो सुमेलित करवा लेते तो वहां पे पूछ लेते हैं। और जो छोटे मोटे क्वेश्चन जैसे कर्नाटक युद्ध का संबंध किससे है, सप्तवर्षीय युद्ध का संबंध किससे है, ऐसे पूछ लेते हैं। तो ये सुमेलित और वर्षवादी से सुमेलित करवा लेते हैं। तो पहला कर्नाटक युद्ध का जो समय है मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ वो 1746-48 तक है। दूसरे कर्नाटक के युद्ध का समय 1753-54 का है, और तीसरे कर्नाटक के युद्ध का समय 1757-1763 यानी सप्तवर्षीय युद्ध है। पहले में संधि हुई, वो पहले में संधि आपकी ऑक्सला सेपल संधि, दूसरे में पांडिचेरी संधि, तीसरे में पेरिस संधि। पहला जो युद्ध हुआ था वो तो सेंट थोमे युद्ध, सेंट थोमे युद्ध, और तृतीय युद्ध हुआ था वो वांडीवास का युद्ध। और वांडीवास के युद्ध के बाद इनका पूरी तरह से क्या हो गया, पतन हो गया। और पूरी तरह से पतन हो गया तो फ्रांसीसियों का यहाँ पे पतन हो गया, और यूरोपियन कंपनी के रूप में मतलब सबसे ज्यादा प्रभावी जो कंपनी उभर कर आई वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई। इस प्रकार यूरोपियन कंपनियों में सर्वाधिक प्रभुत्व ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया, और अब कंपनी अब भारत के शक्तिशाली राज्य की ओर अग्रसर होने लगी। मैंने बोला अब मेरा टॉपिक को आप समझ लीजिए, पहला टॉपिक मैंने बताया था कि यूरोपियन आए,
यूरोपियन यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए, कैसे कैसे उन्होंने अनुमति ली, कैसे कैसे यहाँ पे फैक्ट्रियां खोली, वो सारी बात आ गई। और फिर मैंने बोला इनमें से जो प्रभुत्व स्थापित करने वाली कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब पहले अपने भाइयों को निपटाया, पहला नंबर भाई आपका कौन सा है तो बोलो, तो पहले नंबर डच से इन्होंने बेदरा का युद्ध किया, पुर्तगालियों से इन्होंने मतलब वैसे संघर्ष चलता रहा लेकिन बंबई इन्होंने पुर्तगालियों से ले ली, और डेनमार्क वालों से इन्होंने सब कुछ वैसे खरीद लिया, और चौथा फ्रांस इशू से इनके तीन युद्ध हुए, कर्नाटक का युद्ध फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कर्नाटक फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और लास्ट में आपका जो युद्ध हुआ वो थर्ड में वांडीवास का युद्ध हुआ जिसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। वांडीवास तो पार्ट हो गया और वैसे ओवरऑल सप्तवर्षीय युद्ध भी हुआ, और संधि कौन सी हुई थी, पेरिस संधि, उसके माध्यम से इनका पूरी तरह से प्रभुत्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये आपका हमारा टॉपिक था, टॉपिक क्या था बोलो, यूरोपियों का परस्पर संघर्ष था और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व था, ठीक है। अब ये किसकी तरफ आगे बढ़ेंगे बोलो दोस्तों, तो अभी आगे बढ़ेंगे भारतीय राज्यों की तरफ ये आगे बढ़ेंगे। तो भारतीय राज्यों की तरफ हम बात कर रहे हैं, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने इनमें से सबसे प्रभुत्व पहले नंबर पर आ गए, और उस समय मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, देखिए एक तो वहां पे मुगल राज चल रहा था, मुगल राज को भी एक बार याद कर लो दोस्तों, करो जैसे बात करें, मैंने आपको बोला था सबसे पहले कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई तब अकबर का राज था, और 1600 में हुई तब अकबर का राज था, 1615 में जहांगीर ने उनको अनुमति दी, बाद में शाहजहां से भी उन्होंने अधिकार प्राप्त हुए बंगाल बिहार उड़ीसा, फर्रुख शाह ने उनको सब कुछ ही दे दिया, फर्रुख शाह ने, समझ गए क्या मेरी बात को, तो फर्रुख शाह ने पूरा उनको सिक्का ढालना और वो सब चीज दे दिया था। अब मैं बोल रहा हूं अब भी मुगलों का राज रहेगा, क्योंकि मुगलों का राज 1857 तक रहेगा, 1857 में मुगल भी समाप्त हो जाएंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी भी समाप्त हो जाएगी और फिर ब्रिटिश शासन शुरू आएगा। अब मुगलों में बोल रहे हैं कि मुगलों में उस समय मुगलों में सबसे बड़ा राज्य जो था, मतलब मुगलों के अंतर्गत जो सबसे बड़ा राज्य था वो बंगाल था। मुगलों के अंतर्गत सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, बंगाल। तो पहला संघर्ष इनका बंगाल को प्राप्त करना रहेगा, मतलब बात को समझ रहे हैं क्या, ऑल ओवर इंडिया में जैसे राज है, जैसे उदाहरण है आज अपना भारत है, तो भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य जो आज के संदर्भ में है वो यूपी है, कौन सा, यूपी है। तो यूपी जो राज्य है, तो यूपी तो उसी प्रकार से उस समय मुगलों का सबसे शक्तिशाली राज्य था वो एक्चुअली कौन सा था, तो मुगलों का सबसे शक्तिशाली राज्य बंगाल था। तो इनका पहला जो हिट रहेगा वो किस पर रहेगा बोलो, तो बंगाल पर रहेगा, और बाद में यहाँ पे इसके अतिरिक्त मैसूर तो मैसूर रहेगा, और बाद में सिखों का साम्राज्य शक्तिशाली था। तो इनके तीन लोगों से युद्ध होंगे, पहला बंगाल के साथ, दूसरा आपका मैसूर के साथ, तीसरा आपका सिखों के साथ, समझ गए क्या। तो मतलब बंगाल के साथ जो युद्ध होगा वो आपका पता ही, आपको फेमस युद्ध है, और मैंने कहा युद्धों को जो फेमस होता है वही पूछते हैं। तो बंगाल में पहला युद्ध इनका प्लासी का युद्ध होगा, प्लासी के युद्ध के माध्यम से ये इनको पूरे अधिकार मिल जाएंगे, और बक्सर के युद्ध के माध्यम से ये इंडिया में पूरी तरह से अग्रसर हो जाएंगे। तो दो युद्ध होंगे, और बंगाल के से दो युद्ध हो गए बंगाल वाला, और अपना पूरा प्रभुत्व है मुगलों पर स्थापित करने के लिए। तो पहला तो अकेले बंगाल से युद्ध होगा, वो तो कौन सा होगा बोलो, प्लासी का, और बाद में बंगाल वाला, अवध वाला और मुगल सारे को मिलकर हराएंगे वो बक्सर के युद्ध में। तो प्लासी के युद्ध से केवल ये बंगाल पर स्टेबल होते हैं, और बक्सर के युद्ध से पूरे मुगल शासन पर स्थापित हो जाते हैं। तो पहला तो उनके साथ होगा, बाद में दूसरा मैसूर के साथ इनका युद्ध होगा, मैसूर में आपके कौन है, हैदर अली, और दूसरा कौन सा, हैदर अली के बाद आपका टीपू सुल्तान है। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ इनके चार युद्ध होंगे जिनको आंगल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं, कौन से युद्ध के नाम से, आंगल मैसूर युद्ध। जैसे कर्नाटक के तीन युद्ध हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसी प्रकार से आंगल मैसूर युद्ध होंगे चार, तो चार युद्ध इनके आंगल मैसूर युद्ध, और उसमें दो बड़े व्यक्ति कौन है, तो हैदर अली है और टीपू सुल्तान है, ठीक है। और सिखों का, बाद में सिखों का शक्तिशाली साम्राज्य था, तो सिखों में मैंने बोला सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो था वो रणजीत सिंह हुआ करता था, लेकिन रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद सिख राज्य अस्थिर हो गया, और वहां पे दलीप सिंह वगैरह कुछ आए, तो वहां पर इनका आंगल सिख युद्ध होगा, आंगल सिख युद्ध के माध्यम से ये सिखों पर भी काबिज हो जाएंगे, और इस प्रकार से ये पूरे इंडिया पर पूरा काबिज होकर के और अपना साम्राज्य स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी कर लेगी।
तो अगला जो स्टेप होगा वो होगा भारतीय राज्यों के प्रति, भारतीय राज्यों के प्रति इनकी नीति क्या रहेगी और भारतीय राज्यों को किस प्रकार से ये अपने आप के अधीन करेंगे। तो मैंने कहा तीन राज्य हैं, बंगाल है, इधर आपका मैसूर है और इधर आपका सिख वाला पंजाब वाला एरिया जिसको आप आज के परिप्रेक्ष्य में बोल सकते हो। इस प्रकार से स्टेप्स स्टेप्स होंगे और फिर ये इनको करेंगे तो वो हमारे धार्मिक तंत्र को भी प्रभावित करेंगे, वो हमारे आर्थिक तंत्र को, विशेषतः आर्थिक तंत्र को प्रभावित करेंगे। क्योंकि आर्थिक तंत्र को कैसे प्रभावित करेंगे कि ये लोग यहाँ पे व्यापार करने आए थे तो व्यापार के माध्यम से हमारे को नोचने का प्रयास करेंगे, हमारे व्यापारिक तंत्र को फेल करने का प्रयास करेंगे और व्यापार को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे और भारत की स्थिति बिल्कुल खराब कर देंगे और फिर हमारे यहाँ पे राष्ट्रवाद वगैरह आएगा। तो इसको आप सिस्टमेटिक ढंग से लोगे। देखो एक बात आपको बोलना चाह रहा हूं, आप लोग किस टाइप से पढ़ते हो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि भाई अगर सिस्टमेटिक ढंग से मेहनत करते हुए पढ़ो तो इतनी ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। लेकिन देखो याद तो जो चीजें हैं वो बार बार आप चीजों को दोहराते हो तभी होगी, बार बार। अब कोई भी चीज को आपको कितनी भी मैथ्स लगा दो इसमें कुछ भी नहीं होगा, चीजें तो सिस्टमेटिक आप अगर दिमाग में डाल दोगे तो स्टेप बाय स्टेप उसको देखोगे तो सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों कल हमारा टॉपिक होगा वो आपका ये होगा, भारतीय राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारतीय राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसमें मैंने कहा मुगलों के अधीन सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, बंगाल। तो सबसे पहले बंगाल और अंग्रेज, बंगाल और अंग्रेज। तो कल का जो टॉपिक होगा हमारा ये होगा भारतीय राज्य वाला, भारतीय राज्य। तो पहले बंगाल है, बाद में मैसूर है और बाद में आपका कौन सा पंजाब है, कौन सा सिख वाला है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, कल बात करेंगे। तो इसको आप स्टेप दिए। नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन।